भारत जनूबी एशिया में तमाम पड़ोसियों के लिए खतरा है। सरबरा आरएसएस मोहन भगवत का बयान इश्तियाल अंगेज गैर जिम्मेदाराना है। बयान को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्दअमल, मोहन भगवत ने बरसगीर की तकसीम करदम करार देने का मुतालबा किया था। भारतीय शहरी का पाकिस्तान में फ्रॉड, जमीन अलॉट करा ली। लाहौर हाईकोर्ट ने भारतीय शहरी मोहम्मद उमर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय शहरी के नाम दीगर जमीनों के अलॉटमेंट की निशानदही का भी हुक्म। कौन से नैब रेफरेंसेस चलेंगे, कौन से नहीं? एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने चेयरमैन नैब को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि मुलजिमान तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, जो केसेस वापस लेने हैं या खत्म करने हैं, उनकी फहरिस्त फराहम की जाए। अदलिया को मरियम नवाज और नून लीग के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा सबूताज करने की कोशिश की गई, साजिश बेनकाब हो गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद, कहा मरियम नवाज और उनके शोहर को दीगर काम छोड़कर ऑडियो और वीडियो का काम करना चाहिए। तेल की कीमतें मजीद नीचे आने से महंगाई में कमी होगी। रवा हफ्ते खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी आई है। लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर इस्तीफे दिए जाएं, बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया जाए। सरबरा पीडीएम की कड़ी शराइत, 6 दिसंबर तक मुस्लिम लीग नून से जवाब तलब कर लिया। 6 दिसंबर को पीडीएम सरबरा इजलास, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर हतमी ऐलान मुतवक्के। सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना 100 मिलियन डॉलर्स का उधार ईंधन फराहम करेगा। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए मुआहदे की मंजूरी दे दी। सऊदी वली अहद ने 1 साल तक पाकिस्तान को फ्यूल देने का वादा किया था। तिंका तिंका जोड़कर बनाए गए आशियाने बिखर गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को गिराने का काम जारी। नस्ला टावर के बाहर पुलिस की नफरी में इजाफा कर दिया गया। तनकीद का जवाब परफॉर्मेंस से, चिटागोंग टेस्ट की पहले इनिंग्स में हसन अली की शानदार परफॉर्मेंस। 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। पहले इनिंग्स में मेजबान टीम 330 रन बनाकर आउट। लिटन दास ने सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की पहले इनिंग्स में बैटिंग जारी। कोरोना का खतरनाक तरीन वेरिएंट ओमिक्रोन सामने आ गया। जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाला वेरिएंट बोस्टवाना हांगकांग, बेल्जियम और इसराइल में पहुंच चुका। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, इटली, इसराइल, सिंगापुर और सऊदी अरब और खलीजी ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक पर पाबंदियाँ आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका का पाबंदियों पर एहतजाज, पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रोन सामने आने पर आलमी मईशत को धचका। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% नुमाया कमी। दुनिया केसेस बाजारों में भी गिरावट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आइंदा हफ्ते जिनीवा में होने वाला इजलास मुलतवी। मुल्क में कोरोना का जोर कम, 24 घंटों में 7 अमवात, 411 केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शराह 0.92% रही। और डेंगू के मौलिक डंग, लाहौर में 4 अफराद चल बसे, इस्लामाबाद में भी 1 शख्स चल बसा। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में डेंगू के 210 केसेस रिपोर्ट हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।